अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये सहरी का व्लॉग है और हम अपनी रोटी फ्राई कर रहे हैं और फिर हम अपने अंडे फ्राई करेंगे, इसलिए कि आज अंडे ही खाएंगे सहरी के अंदर। रात को सालन हमने नहीं बनाया था और हमने बाहर से मंगवाए थे, तो इसलिए हमने कहा चले आज अंडे से ही गुजारा कर लेंगे। बस सहरी तो करनी है, कुछ भी खा लें। तो अब यह है कि मैं क्या कहते हैं खजला भिगो कर रखूँगी, फिर उसके बाद यह है कि ये ठंडा होने के लिए रख दूँगी ना, तो फिर मैं अपने दूसरे काम करूँगी। दूसरे काम से मुराद है अभी ऑमलेट बनाना है। ऑमलेट बनाएंगे, फिर हम दही निकालेंगे। यानी कि आपको पता है कि सारे पराठे हैवी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो पराठे बहुत कम खाते हैं। और मैंने चाय भी रख दी थी कि हाथ चाय, इसलिए कि 4:15 हो रहे थे और मैं किचन में ही लगी पड़ी हुई थी। बस फिर अब हमारी ये सहरी हो रही है और सहरी में दही है और ये ऑमलेट है, ब्रेड है, बटर है और खजला है, और मैंने रोटी फ्राई कर ली थी और चाय वगैरह थी। खाना था इससे बटर से, कि ब्रेड और बटर बोल रही थी कि मुझे इससे खाना है। बस थोड़ा सा ही इसने अंडा खाया है और ना क्या कहते हैं, बस इसने यही खा। इसलिए हम लोग कभी बन ले लेते हैं, जैसे मक्खन लगा लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ ले लेते हैं, यानी कि रोटी सालन खा लेते हैं। कभी दिल नहीं चाहता, रोज़ खा खा के भी तो फिर दिल बढ़ जाता है ना। माशाल्लाह से 30 रोज़े हैं और अब मेरी चाय तो भाई बन गई और मैं अब चाय पीने बैठ रही हूँ और अपने काम भी कर रही थी। मैंने कहा कि चाय अपनी पी लूँ, फिर मुझे मेडिसिन खानी होती है, तो अपने चाय फिनिश करके फिर मैं अपनी मेडिसिन लूँगी। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।